वेलकम टू शनाया एंड सियांज ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी। अमेजिंग भाई, बस क्लैपिंग करेंगे बर्थडे गर्ल के लिए जोर से। सब आप आ जाओ इधर जल्दी से अपने फैंस के साथ और हम खेलते हैं गेम, बहुत ही अमेजिंग था। ओके सो रेडी बर्थडे गर्ल, आप बीच में आ जाओ जल्दी से, बीच में आ जाओ, सबके बीच में आ जाओ। अच्छा मेरे को कौन बताएगा सबसे, जब हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जैसे मैं शनाया की बर्थडे पार्टी में आया, सबसे फेमस चीज क्या है यहाँ पर खाने में? हाँ यस, हाँ खाने में क्या बेटा मारना नहीं है एक दूसरे को, ना आराम से करना है, पता लगा इधर भी मार दिया आपने। ओके स्टार्ट, बिग केक, स्मॉल केक, बिग केक, स्मॉल केक, स्मॉल केक, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, स्मॉल केक। तो गाइज यहाँ पर हो चुकी है शुरू गेम्स। अब ये गेम्स के अंदर क्या क्या करने वाले हैं भैया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतनी एक्साइटेड थे बच्चे, इतनी एक्साइटेड थे, मुझे तो लग रहा था कहीं लड़ी ना पड़े, क्योंकि इस गेम्स के अंदर गाइज इनको प्राइज भी मिलना था। और भाई साहब क्या शिद्दत से, क्या मतलब सीरियसली ये गेम्स खेल रहे थे, इतने एक्साइटेड कि म्यूजिक ही नहीं सुन रहे थे, किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे। दो भाई तो इन्होंने हमारा हुपला तोड़ दिया, हुपला ही हमें दोबारा जोड़ना पड़ा। खैर चलो बच्चे हैं, इंजॉय करते हैं, तोड़ फोड़ तो चलती ही रहती है। तो यार इतने मतलब इतनी सारी और भी गेम्स प्लान थी, अब कितनी दिखाएं आपको, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है हमारी वीडियो। चलो शनाया बर्थडे गर्ल की बारी आ गई है, शनाया जीतती है हारती है देखना ये है, लेकिन 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 अरे बचकी, अरे नहीं भैया शनाया आउट नहीं है, अरे भैया कौन आउट है बताओ तो सही, शनाया ने तो आके दे दिया था, अरे यार ये तो चीटिंग हो गई लग रहा है। चलो एनीवेज बर्थडे गर्ल है, इतना तो बनता है। ठीक है भाई अभी गेम आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस इतने एक्साइटेड बच्चे, अब इनको लंच की फिक्र ही नहीं है, वहाँ पर लंच सबकी आवाज़ें वेट कर रहा है। अरे भैया केक कटिंग का भी टाइम हो रहा है, उसके बाद डांस परफॉर्मेंस भी है, जल्दी कर लो गेम्स, रिजल्ट आएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे ना भैया। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अपनी गेम से मस्ती है। चलो फाइनली एक बच्चे ने मान लिया कि मैं आउट हो गई हूँ, बर्थडे गर्ल अभी भी गेम में बनी हुई है। अब देखना ये है कि बर्थडे, और लो जी फिर से तोड़ दिया इन्होंने, कोई बात नहीं फिर से जोड़ देते हैं इसको, ये तोड़ फोड़ तो चलती रहेगी। लेकिन इतनी मस्ती इस ग्रैंड बर्थडे के अंदर सब बच्चों ने इतना एंजॉय किया कि भैया सारे के सारे गेम्स के अंदर ही बिजी रहे। ये देखो इनकी अभी तक लड़ाइयाँ चल रही हैं, इस गेम का रिजल्ट मुझे लग रहा है आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई आउट ही नहीं हो रहा है। अरे मुझे लग रहा है बर्थडे गर्ल को जिता दो यार, कम से कम उसको लगेगा कि मैं बर्थडे पे अपने प्राइज जीती हूँ। तो गाइस यार अभी अलग गेम शुरू हो चुकी है, इसके अंदर इतनी ज्यादा मस्ती चल रही है, किसी के पैर में लग रही है, किसी की पीठ में लग रही है, बट इतनी सारी गेम्स के अंदर बच्चों का तो बनता ही था एंजॉय करना। फाइनली यार अभी भी और भी कितनी सारी गेम्स बाकी हैं, ये खत्म होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं ड्रोन। गाइस सियान लाया था अपना एक न्यू ड्रोन। गाइस सब फ्रेंड्स उसके खड़े होकर देख रहे थे, सियान सबको उड़ा के दिखा रहा था, देख सकते हो आप क्या जबरदस्त ये ड्रोन उड़ रहा है, मतलब ये एरोप्लेन के अंदर ड्रोन है। मतलब ड्रोन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा एरोप्लेन वाला ड्रोन आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये ड्रोन ही इतना सही लग रहा है ना भाई साहब। और मतलब हर बंदे के तो बस की नहीं है इसको उड़ाना, क्योंकि कंट्रोल करना इसको बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और इतनी इजी भी नहीं है, बट ठीक है इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये देखो हमारे इंजीनियर साहब लेट गए हैं, पूरी डेमो दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करना है भाई साहब, वहाँ पे ऐसे करना है, बट डेमो बढ़िया दे रहे हैं गाइस। ये देखो डर भी रहा इससे कि कहीं उड़ के इसके ऊपर ना आ जाए ड्रोन, अरे नहीं आएगा भाई, ये तो गत्ते का ड्रोन है, क्यों डर रहा है सियान। चल ऐसा कर सबको डेमो दे दे, अच्छे से सिखा दे, ताकि सब इंजॉय कर सके ड्रोन को, सब लड़ रहे हैं मेरी बारी ड्रोन मुझे दे दो। ये देखो ये सिद्धार्थ जी जो सियान के साथ खड़े हैं, ये तो आराम से मस्त इंजॉय कर रहे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है ड्रोन से। और सियान के मामा जी ज़्यादा मामा बन रहे हैं और सबको तंग कर रहे हैं, बच्चों को ड्रोन उड़ाने ही नहीं दे रहे हैं।
ठीक है भैया, अब मामा जी हैं तो क्या हो गया, दिल तो बच्चा है जी। ठीक है भैया, मामा जी की बारी होने दो, तभी सबको एक चांस मिलेगा। सियान उड़ जा, उड़ जा, उड़ गया, 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 देखो देखो देखो, ओ तो फाइनली बारी आ चुकी है हमारे केक की। केक रिवील करेंगे और केक सबको इंजॉय करवाएंगे। ठीक है भैया, ध्यान से, बहुत ही हैवी है गाइस, मैंने सोचा इसको आराम आराम से लेके जाऊँ, यहाँ सबके सामने अगर केक गिर गया ना तो इन्होंने मेरा कच्चा क्या कच्चा पापड़ कचुंबर पता नहीं क्या बोलते हैं वो बना देंगे। पर चलो फाइनली मैंने आराम आराम से प्यार प्यार से केक को अपनी जगह पे पहुंचा दिया। ठीक है भैया, सारे इकट्ठे हो जाओ, केक कटेगा उसके बाद ही तो परफॉर्मेंस होगी। रेडी हो जाओ गाइस, अनान्या शनाया सियान सब परफॉर्म करने वाले हैं। केक केक केक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, केक कटिंग का टाइम हो चुका है। तो भैया ऐसा है शनाया, बातें बाद में होती रहेंगी, आप भी आ जाओ केक काट लें। अनान्या आ चुकी है, सियान भी आ चुकी है। ये लग रहा है अरे केक कहाँ उड़ गया, अरे लगता है ये पहले वाला सीन बाद में डल गया, बाद वाला सीन पहले डल गया। पर चलो कोई बात नहीं, केक तो मैं ले आया था, अभी सारे आ ही जाएंगे। और इसको बुलाने जा रहे हो, अपनी फ्रेंड्स को सबको इकट्ठा कर लो क्योंकि अब हमें काटना है केक। केक कटेगा तभी तो डांस परफॉर्मेंस शुरू होगी। फाइनली अनान्या की से बातें करती आ रही है, कुछ तो नॉटी किया है इसने। और यहाँ माय मिसानंद क्यूट सिस्टर हरदी करदी से सब वेट कर रहे हैं कब केक कटेगा, कब हमें ये स्वादिष्ट केक खाने को मिलेगा। अरे काट रहे हैं भैया, केक भी काट रहे हैं। जब बेइज्जती यहाँ पे इनकी अलग ही व्लॉग चल रहा है गाइस, देख सकते हो हरप्रीत अपना लगे हुए हैं माय मिसानंद के साथ वीडियो बनाने में। और यहाँ पर मेरे को भी ले लिया इन्होंने बीच के अंदर, बट चलो ठीक है, अब यहाँ पर कंटेंट तो बनना ही है क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर्स जो आए हुए थे। फाइनली यार केक 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 कहाँ है केक, आ जाओ केक भाई आ जाओ केक केक केक, कोई नहीं आ रहा केक काटने के लिए, मुझको लगता है मुझको ही आना पड़ेगा। आ गया केक, आ गए सारे, फाइनली यार केक काटने की तैयारी शुरू। एक मैं काट रहा हूँ तो जिससे मेरे मेरा गिफ्ट या सगन नहीं दिया वो भी दे दे। 16th बर्थडे है आपका। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हेलो हेलो गाइस, अनान्या एंड शनाया आपके लिए परफॉर्म करने वाली है एक सीक्वेंस। सो शनाया, शनाया था है? ओ सियान भी तो है, आओ सर आओ। वेयर इज शनाया? ओके आई गॉट यू, यू गाइस कैन कम हियर, पानी प्लीज कम हियर, आ जाओ। ओके पापा काम पे चले गए, वांटो कम इन हियर प्लीज। चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। Thank you.
तो गाइज फ्रेंड्स हमारे वापस जाना शुरू हो गए हैं। अरे भैया सब अपने गिफ्ट्स लेते जाना, कहीं ये ना हो कि आपके गिफ्ट्स रह जाएं। रिटर्न गिफ्ट सबको देने हैं हमने। हाँ बच्चों तुम भी सब ध्यान रखो, सब बच्चों को रिटर्न गिफ्ट मिलने पड़ेगा। ये ना हो कि बिना रिटर्न गिफ्ट लेके चले जाएं और फिर हमें इनके घर पे भिजवाना पड़े। रिटर्न गिफ्ट भी दो और फिर कुरियर के पैसे भी दो। ये तो मजाक था, पर चलो एनीवेज यार थैंक यू सो मच बच्चों को आने के लिए, इतना ज़्यादा मज़ा आया आप सबके साथ। हरप्रीत एसडीसी क्यूट सिस्टर माय मिस आनंद थैंक यू सो मच शनाया और सियान के बर्थडे पे आने के लिए और इनको अपनी ग्रीटिंग्स और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो यार हम ऐसे ही आपको बुलाते रहेंगे, अपनी पार्टीज करते रहेंगे। गेम खेले ही नहीं, मस्ती में लगे हुए अपने, अपनी मस्ती में लगे हुए। बहुत सारे बहुत सारे 5-5 ले लिए। कमेंट करके जरूर बताना आपको शनाया और सियान की बर्थडे पार्टी में कितना मजा आया। क्या आप भी शनाया और सियान की बर्थडे पार्टी में आना चाहोगे? तो यार कमेंट जरूर करना। और इतने सारे विशेस के लिए, इतने सारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम सबको प्यार देते रहो यार, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे आप सबके सपोर्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। शनाया एंड सियान बर्थडे शॉपिंग वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS13 व्लॉग्स पे। हमने क्या क्या शॉपिंग करी ये देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी शॉपिंग करी, क्लिक 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 क्लिक।